आज हमारी जो है ये पहली क्लास है सर्किल्स की, है ना। तो इसमें इंशाल्लाह सर्किल्स के लॉन्ग क्वेश्चंस जो पॉइंट बेस है वो पढ़ेंगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट जो है फॉर्मुलेस नहीं दे रहा हूँ, मैं जब जो जरूरत पड़ी फॉर्मुलेस जब देख लेंगे, क्योंकि उसमें दो क्लासेस बहुत चलेंगे। अब सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस पे मैं जो है तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें सबसे पहले जो है खाली एक सर्किल का जनरल इक्वेशन याद रख लीजिए आप लोग, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c equals to 0, है ना। इसको हमेशा याद रखना, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो अब ये जनरल इक्वेशन यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्किल मान करेंगे ना। अब पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इसमें से एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। सर्किल का क्या है, तीन पॉइंट्स दे रहा हूँ अपने को, है ना। सपोज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2, 3, -4 एंड 5, -6। अब ये तीन पॉइंट्स यूज करके सॉल्व करके हमको क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो इसके लिए हम कैसा स्टार्ट करना सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ले लेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल शॉर्ट में से डालो बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको वन नोट कर लो। अब यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तीन पैरामीटर्स हैं यहाँ पे g f c, यानी ये तीन कॉन्स्टेंट्स को मान करना है। तो तीन कॉन्स्टेंट्स, तीन अननोन से ही अगर g की वैल्यू, f की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन आ जाएगा। इसलिए तीन अननोन्स के लिए तीन कंडीशंस देता हूं। यहां पे तीन कंडीशंस क्या है, पॉइंट्स दे रहा हूं, तो एक के बाद एक सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूटिंग 1, 2, इसका मतलब x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 लिख दे लिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2g इनटू 1 प्लस 2f इनटू 2 प्लस c इक्वल्स टू 0। कई तरीके से लिख सकते हैं, मेरा तरीका ये है, पहले g लिख डालिए 2 1 2 2g प्लस फिर एफ डालिए 2 2 4f प्लस सी, फिर कॉन्स्टेंट डालिए 4 + 1 5 इक्वल्स टू 0। इसको नोट कर लीजिए 2। तो पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर ले, वैसे सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड पॉइंट, सब्स्टिट्यूटिंग नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट के अपने पास 5, 5 यानी x, सॉरी सेकंड पॉइंट के अपने पास 3, -4 3, -4 यानी x की जगह पे 3, y के पे -4 लिख डालिए। इसमें x की जगह पे 3 स्क्वायर प्लस y की जगह पे -4 स्क्वायर प्लस 2g इंटू x की जगह पे 3 प्लस 2f इंटू y के पे -4 प्लस c इक्वल्स टू 0। पहले g लिख दीजिए, 2 3 6 6g प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 8f प्लस c, फिर कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे कॉन्स्टेंट्स। तो 4 स्क्वायर क्या होंगे 16, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 25 इक्वल्स टू 0। इसको नोट कर लीजिए इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास जो है 5, -6, तो ये कर देंगे सब्स्टिट्यूटिंग 5, -6। तो x की जगह पे 5 और y की जगह पे -6, कहेंगे x के पे 5 लिखे तो 5 स्क्वायर प्लस y की जगह पे -6 स्क्वायर प्लस 2g इंटू x की जगह पे 5 और प्लस 2f इंटू y की जगह पे -6 प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें भी क्या करेंगे, पहले g लिख डालो 10g -12f प्लस c प्लस -6 स्क्वायर 36 प्लस 25 46 56 61 इक्वल्स टू 0। इसको नोट कर लो 4। अब हम थोड़ा और से देखिए, तीन इक्वेशंस है अपने पास, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है। अब इसमें अपने को सॉल्व करते हुए क्या करना है, अपने को देखो इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, देखो और से देखो, ये सी यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर हम ये दोनों को माइनस करेंगे तो सी चलेगा, फिर वैसे अगर ये दोनों को माइनस करेंगे तो सी चलेगा, तो जो बच जाएंगे उसमें सिर्फ जी और एफ रहेगा। अगर हम सॉल्व करें तो जी और एफ आ जाएगा सॉल्विंग। तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद लेना, एक बार क्या करो 2 -3 यूज कर लो, एक बार 2 -3 ने तो 2 -4 ने तो 3 -4 बाद
दो बार माइनस करेंगे ताकि ये सी जो है ना अपने पास, ये सी पैरामीटर ये कैंसिल हो जाएगा, बच गए सो उसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री, ठीक है ना। तो इक्वेशन टू क्या है अपने पास, टू जी प्लस फोर एफ प्लस सी प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन टू हो गया। फिर इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री क्या है अपने पास, सिक्स जी, सिक्स जी प्लस सिक्स, इक्वेशन थ्री सिक्स जी माइनस एट एफ प्लस सी प्लस 25 इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि माइनस कर रहे ना, साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस, माइनस जाके प्लस, ये माइनस, ये माइनस, टू माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस फोर जी प्लस फोर प्लस एट प्लस 12 एफ, ये प्लस सी माइनस सी तो कैंसिल होना ही है इसलिए यूज कर रहे हैं, फाइव माइनस 25 माइनस 20 इक्वल्स टू जीरो। इसमें से कॉमन ले लीजिए, अगर इसमें से माइनस फोर कॉमन ले लिए हम, इसमें से अगर माइनस फोर कॉमन ले लिए हम, तो इसमें क्या आएगा बोलो, माइनस फोर कॉमन ले लिए तो माइनस जाके ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा, फोर थ्री जो ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा, फोर फाइव जो इक्वल्स टू 20। इसको नेक्स्ट नोट कर लीजिए, जी माइनस थ्री एफ प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इसको कुछ भी नेक्स्ट नोट कर लेंगे, हम अभी तक फोर इक्वेशन हुए, इसको फाइव नोट कर लो। वैसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एक बार कर लिए टू माइनस थ्री, एक बार करेंगे थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर। अब थ्री माइनस फोर कैसा, थ्री तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए ना, सिक्स जी माइनस एट एफ प्लस सी प्लस 25 इक्वल्स टू जीरो। फोर, फोर क्या है अपने पास, टेन जी माइनस 12 एफ प्लस सी प्लस 61 इक्वल्स टू जीरो। इसको माइनस कर लो, तो इसको माइनस कर तो क्या होगा, साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस माइनस माइनस, सिक्स माइनस टेन हो जाएगा माइनस फोर जी, माइनस एट प्लस 12 प्लस फोर एफ प्लस सी माइनस सी कैंसिल, ये हो जाएगा 25 माइनस 31 माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो। इसमें से भी माइनस फोर कॉमन ले लो, माइनस जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस जाके माइनस, फोर कॉमन ले लेना एफ बचेगा, ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा, फोर नाइन जो इसको ये इक्वेशन फोर देगा तो जीरो हो गया, जी माइनस एफ प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। इसको नोट कर लो सिक्स। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, अगर ये दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो इसमें से हमको आ जाएगा जी और एफ। सॉल्विंग के कई मेथड से आप कोसाइन मेथड यूज करो, मैं हमेशा सॉल्विंग के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज कर रहा हूँ। अब एक बार मैं आपको समझा दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड कैसा रहेगा। ये बीच के नंबर से स्टार्ट करना, बीच पे खत्म करना, जैसा माइनस थ्री फाइव वन माइनस थ्री, एक बार रिवाइज कर लो, माइनस थ्री फाइव वन माइनस थ्री, यहाँ लिख दे रहा हूँ जगह कम है, माइनस थ्री फाइव वन माइनस थ्री, माइनस थ्री फाइव वन माइनस थ्री। वैसे यहाँ पे स्टार्ट करो, बीच से स्टार्ट करो, माइनस वन नाइन वन माइनस वन, माइनस वन नाइन वन माइनस वन, माइनस वन नाइन वन माइनस वन। ये दोनों के ऊपर जी लिख दो, ये दोनों के ऊपर एफ लिख दो, यानी के ऊपर वन। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम, जी डिवाइड बाय, पहले ये दो मल्टीप्लाई कर लेना, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस नाइन थ्री जो 27, माइनस लिख के फिर ये दो माइनस कर लेना, माइनस फाइव होता वन इंटू माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव, पहले से माइनस है फिर एक तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई, अभी ये दो फाइव वन जो फाइव माइनस नाइन वन जो नाइन, ये हो गया लास्ट में वन डिवाइड बाई प्लस इंटू माइनस, माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो डायरेक्ट दरों में जी इक्वल्स टू, ये क्या होंगे बोलिए आप, माइनस 27 प्लस 5 हो तो माइनस 22, ये माइनस 22 यहाँ पे लेके चले आप, तो ये हो जाएगा माइनस 22 बाय 2, 3 माइनस 1 2, वैसे एफ इक्वल्स टू, ये माइनस 4 है ना, माइनस 4 यहाँ पे लेके चले आओ तो माइनस 4 बाय 3 माइनस 1 2, माइनस 4 यहाँ पे लेके चले आओ माइनस 4 बाय 2, 2 1 0 2 2 0 2 1 0 2 11 0, therefore g equals to minus 11, f equals to minus 2. तो दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, दो दो पैरामीटर्स आ गए हमारे पास। अब क्या बचा, अब हमको जो है c बचे हुआ है। अब c के लिए हमारे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, कोई एक में सब्स्टिट्यूट कर लो, सपोज इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, 2
टू क्या है हमारे पास, इक्वेशन टू है हमारे पास। हाँ ऊपर से ले लेंगे है ना, टू जी प्लस फोर एफ प्लस सी प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। इसमें जी और एफ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, टू इंटू जी क्या है माइनस इलेवन प्लस फोर इंटू एफ क्या है माइनस टू प्लस सी प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। इसमें से सी आ जाएंगे हमको कैसे आएंगे बोलो, माइनस इलेवन टू सा ट्वेंटी टू, माइनस ट्वेंटी टू माइनस एट हो जाएगा माइनस थर्टी, माइनस थर्टी प्लस फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस ट्वेंटी फाइव वो साइड लेके चले आप तो ये हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फाइव। तो अब हमारे लिए क्या है, पूरे वैल्यूज आ गए, तीन पैरामीटर्स थे जी एफ सी, तो जी की वैल्यू भी आ गई, एफ की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ये सारे वैल्यूज जो है ना हम इसको इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी टू इंटू माइनस इलेवन, टू जी यानी टू इंटू माइनस इलेवन सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस ट्वेंटी टू एक्स हो जाएगा, टू एफ यानी प्लस इंटू माइनस माइनस होगा टू टू जो फोर वाई प्लस सी यानी प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इसको हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करना है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स बोल। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल के तीन पॉइंट्स दिया जिसपे से पास हो रही इक्वेशन मान को बोल। सबसे पहले हम क्या करें, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी बोल के जनरल फॉर्म लिख लीजिए। पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करिए, उससे क्या इक्वेशन आ रहा, टू जी प्लस फोर एफ प्लस सी प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू जीरो। वैसे दूसरा पॉइंट जब सब्स्टिट्यूट करें तो दूसरा इक्वेशन आएगा, तीसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें तो तीसरा इक्वेशन। अब इसमें तीन अननोन्स है हमारे पास है ना, जी एफ सी। तो हम देख रहे हैं जी के साथ कोफिशियंट सिर्फ वन है, इसलिए एफ के सी के साथ कोफिशियंट सिर्फ वन है, इसलिए अगर हम टू माइनस थ्री करें तो सी चलेगा, वैसे थ्री माइनस फोर करें तो सी चलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं टू माइनस थ्री और एक बार क्या कर रहे हैं थ्री माइनस फोर। अब ये दो में से हमारे पास क्या हो, सी चलेगा। अब जो बच गया इक्वेशन उस थ्री जी और एफ का इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल्स का जो इक्वेशन होता है उसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग जानते हैं। इसमें से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहा हूँ ना, कैसे यूज करते हैं, बीच से स्टार्ट करना है, जैसा इक्वेशन फाइव है माइनस थ्री फाइव वन माइनस थ्री, वैसे वहां से माइनस वन नाइन वन माइनस नाइन। अब ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे हम, इसमें से जी और सी एफ आ जाएगा, फिर वो जी और एफ या तो आप टू में या तो थ्री में या तो फोर में सब्स्टिट्यूट करिए, उसमें से सी की वैल्यू आएगा। अब ये सी एफ जी लास्ट में क्या करना, जनरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा। तो ये थ्री पॉइंट्स का एक क्वेश्चन करें और एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए, वैसे ही अब फोर पॉइंट्स देखिए कॉन्सेप्टली पूछता वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम जो है एक क्वेश्चन कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स पे करेंगे, कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स इसको बोलेंगे, अगर एक ही सर्किल पे पॉइंट्स है तो कॉन्सेक्लिक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको चार पॉइंट्स चाहिए, शोल्डर द फोर पॉइंट्स, दिस फोर पॉइंट्स आर कॉन्सेक्लिक, दिस फोर पॉइंट्स आर कॉन्सेक्लिक। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है, जैसे अभी हम थ्री पॉइंट्स लेके इक्वेशन मालूम करें, तो हम क्या करेंगे, पहले ये तीन पॉइंट्स लेके इक्वेशन मालूम करेंगे, इसके बाद फोर्थ पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना। अगर फोर्थ पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई है एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे बाद वैल्यू जीरो आ जाना, तो कॉन्सेक्लिक बोले सर। तो स्टार्ट तो वैसे ही करना है अपने को, सोल्यूशन कैसा स्टार्ट करे थे अभी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी क्या लिखेंगे हम, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसको वन नोट कर लो, अब एक के बाद एक सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, वन कॉमा वन, तो सब्स्टिट्यूटिंग वन कॉमा वन, एक्स की जगह पे वन, वाई की जगह पे वन, टू जी इंटू वन प्लस टू एफ इंटू वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो पहले जी लिख लो, टू वन जो टू जी प्लस टू एफ प्लस सी प्लस वन स्क्वायर वन वन प्लस वन टू इक्वल्स टू जीरो। इसको नोट कर लेंगे हम इक्वेशन टू। सेकेंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग माइनस सिक्स कॉमा जीरो, एक्स की जगह पे माइनस सिक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे जीरो स्क्वायर, टू जी इंटू एक्स की जगह पे माइनस सिक्स प्लस टू एफ इंटू वाई के पे जीरो प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्या लिखना है, पहले माइनस ट्वेल्व जी प्लस जीरो एफ लिखना, जो है ना मैं खाली ऐसे लिख दूँ प्लस सी प्लस थर्टी सिक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको नोट करेंगे थ्री।
और एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, सब्स्टिट्यूटिंग माइनस टू कॉमा टू, एक्स की जगह पे माइनस टू स्क्वेयर, वाई की जगह पे टू स्क्वेयर, प्लस क्या करना है इसको जो है हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। एक मिनट बोर्ड को जो है नीचे कर लेंगे थोड़ा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी, टू जी इंटू एक्स इज माइनस टू प्लस टू एफ इंटू वाई इज टू प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। पहले जी लिख डालो प्लस इंटू माइनस, माइनस फोर जी प्लस फोर एफ प्लस सी प्लस माइनस टू स्क्वायर फोर, फोर प्लस फोर एट, एट इक्वल्स टू जीरो। इसको नोट करेंगे हम इक्वेशन फोर। जैसा अभी बताया था ना, अभी हमारे पास सब तीन इक्वेशन है, इक्वेशन टू है, इक्वेशन थ्री है, इक्वेशन फोर है। हम अगर टू माइनस थ्री कर देंगे तो ये सी और सी कैंसिल हो जाएगा, जी और एफ का एक इक्वेशन आएगा। वैसे इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन फोर करेंगे तो फिर सी कैंसिल हो जाएगा। अब दो इक्वेशन हमारे पास वो रहेंगे जिसमें सी रहेगा, जी और एफ, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार हम करेंगे इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन टू क्या है हमारे पास, टू जी प्लस टू एफ प्लस सी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। और इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री क्या है, माइनस ट्वेल्व जी, माइनस ट्वेल्व जी, जीरो एफ लिखना नहीं चाहिए, मैं खाली समझाने के लिए बताऊँ, जीरो एफ प्लस सी प्लस थर्टी सिक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको आप साइन चेंज कर लो। अब हम यहाँ पे इसको साइन चेंज करेंगे तो यहाँ से हमको इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, एक वैल्यू मिल जाएंगे। कैसा करना, साइन चेंज कर लो, माइनस के प्लस, ये तो खैर माइनस माइनस, तो ये टू प्लस ट्वेल्व हो गया, टू प्लस ट्वेल्व होता फोर्टीन जी, टू माइनस जीरो टू हो जाएगा प्लस टू एफ, ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल, टू माइनस थर्टी सिक्स माइनस थर्टी फोर इक्वल्स टू जीरो। इसमें से अगर हम टू कॉमन ले लेंगे, अगर हम इसमें से टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेंगे बोलो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, टू कॉमन ले तो सेवन जी प्लस एफ माइनस सेवनटीन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेवन जी प्लस एफ माइनस सेवनटीन इक्वल्स टू जीरो। इसको नोट कर लेंगे हम इक्वेशन फाइव, इक्वेशन फाइव। वैसे अब नेक्स्ट करना है हमको, अब इसमें जो है एक बार टू माइनस थ्री करें, एक बार करेंगे हम थ्री माइनस फोर। तो हमारे पास थ्री क्या है, माइनस ट्वेल्व जी प्लस जीरो एफ समझो प्लस सी प्लस थर्टी सिक्स इक्वल्स टू जीरो। और इक्वेशन फोर, इक्वेशन थ्री हो गया, इक्वेशन फोर क्या है, माइनस फोर जी प्लस फोर एफ प्लस सी प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। अब इसके साइन चेंज कर लो आप, तो माइनस जाके प्लस होगा, प्लस जाके माइनस माइनस माइनस, माइनस ट्वेल्व प्लस फोर हो जाएगा माइनस एट जी, माइनस एट जी। और क्या होगा, जीरो माइनस फोर माइनस फोर एफ प्लस सी माइनस सी कैंसिल। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम, माइनस ट्वेल्व प्लस फोर, माइनस ट्वेल्व प्लस फोर क्या होगा, माइनस एट जी, जीरो माइनस फोर माइनस फोर एफ, ये क्या होगा प्लस ट्वेंटी एट, थर्टी सिक्स में से एट नहीं आता, ट्वेंटी एट इक्वल्स टू जीरो। इसमें से माइनस फोर कॉमन ले लेंगे, माइनस फोर कॉमन ले लिए तो क्या होगा इसमें से बोलो, टू जी माइनस जाके प्लस टू जी, माइनस जाके प्लस एफ, प्लस जाके माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको नेक्स्ट नोट कर लेंगे हम, टू जी प्लस एफ माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो, इसको नोट करेंगे सिक्स। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स। इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स में हमारे पास क्या है, दो कॉन्स्टेंट्स है जी और सॉल्व के लिए। तो आ जाएंगे अपन कैसा कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बता रहा हूँ मैं, है ना। कहाँ से स्टार्ट करना, वन माइनस सेवनटीन सेवन वन, वन माइनस सेवनटीन सेवन वन, और यहाँ पे वन माइनस सेवन टू वन, है ना, बोर्ड के ऊपर लिखेंगे इंशाल्लाह। इसको जो है अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी और एफ मार्क कर लेंगे, जी और एफ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कैसा स्टार्ट करना है अपने को, इक्वेशन फोर, इक्वेशन फाइव के पास है अपने पास वन माइनस सेवनटीन, वन माइनस सेवनटीन सेवन वन, और यहाँ पे है अपने पास वन माइनस सेवन, वन माइनस सेवन टू वन। ये दोनों ऊपर जी डालो, ये दोनों के ऊपर एफ, ये दोनों ऊपर वन, जी डिवाइड बाई ये दो मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इंटू माइनस माइनस सेवन, माइनस लिख के दो मल्टीप्लाई करो, माइनस सेवनटीन, फिर से माइनस आ रहा ना प्लस सेवनटीन, एफ डिवाइड बाई माइनस इंटू प्लस माइनस थर्टी फोर, माइनस फोर्टी नाइन, माइनस वन प्लस फोर्टी नाइन हो जाएगा।
equals to 1 divided by 7, 1s are 7 minus 2, 1s are 2. अब g मालूम कर ले सकते हैं अपन, g equals to क्या होंगे बोलो, ये 17 minus 7 10 होता, ये 10 इधर लेके जाओ, 10 divided by 7 minus 5 2, 10 divided by 2. f क्या होंगे देखो, 49 में से 34 निकला तो 15, 15 इधर लेके चलो, 15 by 5, 15 by 5, sorry 15 by 5, तो 5 1s are 5 3s are 5 1s are 5 2s are. Therefore, g equals to 2 आ गया अपने को, f equals to 3 आ गया. अब बचा क्या c के लिए, क्या है हमारे पास, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन है, 2 या 3 या 4, कोई एक में सब्स्टिट्यूट कर लो. मैं 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2g plus 2f plus c plus 2 equals to 0. तो हम क्या कर रहे हैं, अब अगर g की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, f की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो c आ जाएगा, 2 into g 2 है plus 2 into f 3 है plus c plus 2 equals to 0. तो इसमें से क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 plus 4 10, 10 plus 2 12, 12 उधर लेके चले हो, तो c equals to minus 12. तो c आ गया अपने को, और जो है पहले से है ना g और f आ गए. अब ये क्या करेंगे, equation 1 में substitute कर देंगे हम, equation 1 में substitute कर देंगे, substituting in 1. 1 क्या अपने पास, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. x square plus y square 2g, 2g क्या है, 4, 2, 2, 2 is a 4 हो जाएंगे, 4x plus 2f, f क्या है, 6, 2, 3 is a 6y plus c यानि minus 12 equals to 0. तो ये हो गया हमारा equation of the circle, equation of the circle. अपने को सब्स्टिट्यूट क्या प्रूफ करना है, कौन से क्लिक यानी फोर्थ पॉइंट, कौन सा फोर्थ पॉइंट बचा है अपने पास, सब्स्टिट्यूटिंग फोर्थ पॉइंट है माइनस टू कॉमा माइनस एट. अब ये कौन से क्लिक कैसे प्रूफ करेंगे, ये फोर्थ पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करना, फोर्थ पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, अगर अगर ये सेटिस्फाई हो गया यानी इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो ये फोर्थ पॉइंट भी यही सर्किल पे है वैसा, तो कौन से क्लिक होते, इसलिए सब्स्टिट्यूट कर लो, एक्स की जगह पे माइनस टू स्क्वेयर, वाई की जगह पे substituting minus 2 comma minus 8 है, sorry minus 8, minus 8 whole square plus 4 into minus 2 plus 6 into minus 8 minus 12 equals to minus 2 square हो जाएगा 4, minus 8 square हो जाएगा 64, minus 4 2 जा 8, minus 4 8 6 जा 48 minus 12. ये दो plus के add के लिए तो कितना होगा, 68 minus 48 58 60 68, तो 68 माइनस 68 क्या हो गया, जीरो हो गया. यानी ये फोर्थ पॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये फोर्थ पॉइंट भी यही सर्किल पे है वैसा, देयरफॉर फोर्थ पॉइंट आल्सो लाइज ऑन सर्किल, लाइज ऑन सर्किल. अब फोर्थ पॉइंट भी सर्किल पे है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर द पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, द पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, द पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट. तो ये जो है हमारा नेक्स्ट कंटिन्यू हुआ है ना, इसमें क्या है, दो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन आप लोग को करा, एक क्वेश्चन आप लोग है ना, एक दो क्वेश्चंस ऐसे ट्राई करिए कॉन्सेप्ट लिख के. नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट लिख का, वो कवर करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें जो है ना उसके बाद जो है मेथड चेंज करेंगे. तो ये क्वेश्चंस आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करिए, देखने से नहीं आता, इसको बुक लेकर, रफ बुक लेकर, पेन लेकर बैठना और इसको सेल्फ प्रैक्टिस करना, खुद से करते आना, जो स्टेप समझ में नहीं आ रहा वो स्टेप देखते आना, तो उसमें परफेक्शन आएगा. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे.